हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आपको लिए चलते हैं अलवर अनाज मंडी की तरफ। और आज के अलवर अनाज मंडी भाव दोस्तों, आज है 27/10/2023। और जो दोस्तों जान लेते हैं आज अलवर मंडी में क्या क्या भाव रहा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं परिचय देना चाहूँगा, यह है लक्ष्मीकांत शर्मा जी जो मेरे सामने बैठे। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, आज सबसे पहले सरसों की पोजीशन क्या रही अलवर मंडी में? सरसों की पोजीशन 56 42 कंडीशन का भाव है। और इसकी आवक कितनी आए? 5,000। आवक 5,000 है। और कपास का भाव और बता दें? 7,000 रुपये। कपास 7,000 है। 7,000 7,100 ऊँचे में क्या है? ऊंचे में 7,000 है। आप कपास की आवक कितनी बन रही है? 1500 पल्ली करीब है। और इसके अलावा बाजरा? बाजरा 2080-85। और कुछ बढ़िया क्वालिटी का जो बाजरा आता है? 2300-2350। उस बाजरे में और उस बाजरे में क्या फर्क होता है, थोड़ा डिफरेंट बताएं। जो फील्ड चल रहा है जो 2080 वाला, और वो 23 सफेद बाजरा 2300 रुपये क्विंटल का बिका है। इसके अलावा गेहूँ का भाव? गेहूँ का भाव है जी 2500-2550। 2500 से लेकर 2550 बढ़िया जो गेहूँ आता है। और इसके अलावा ग्वार और चना? ग्वार का भाव है 5500 रुपये। और चना? चने का भाव है 6,000। तो कुल मिला के इन दोनों के भाव स्थिर है। मंडी में इनकी आवक नहीं के बराबर होती होगी, इस समय तो कम होती होगी। अभी कोई नया सीजन इसके अलावा थोड़ी आएगा? और कोई नहीं, नई ग्वार आ रही है थोड़ी। ग्वार नहीं चल रही है। सरसों तो अभी बोई जाएगी। चलो ठीक है सर, जानकारी दी।